यंग पेशेंट है 66 साल, क्या उम्र है आपकी? 56 साल के यंग पेशेंट है हमारे जोगिंदर जी, हमारे पास ये 1 महीने पहले आए थे, है ना जोगिंदर जी? किस वजह से हुआ था जोगिंदर जी आपका? और कितना साल पुराने आप है? 5 साल पुराने। 5 साल 17 अप्रैल 2016। इनका 5 साल पहले एम्पुटेशन हुआ था गैंग्रीन की वजह से, और इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेग लगवाया था। हाँ जी। वो आपको कैसा रहा था? कामयाब नहीं रहा था। वो कामयाब नहीं रहा था। तो 5 साल जब इन्होंने आर्टिफिशियल लेग नहीं पहना तो एक चीज आई कि इनका पैर अकड़ गया, जिसे हम फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। ये फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर में इनका पैर था अराउंड 35 डिग्रीज, और हमने इनका पैर तकरीबन 3 हफ्ते हुए हमने आर्टिफिशियल लेग दिया जोगिंदर जी को। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो इनका एंगुलेशन है, जो कॉन्ट्रैक्चर था, इसमें भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गई है, और इम्प्रूवमेंट हम उम्मीद करते हैं कि ये आएगी। जोगिंदर जी, ये पैर लगा के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, इंडिपेंडेंट है, कम्फर्टेबल है, बिल्कुल। तो जोगिंदर जी अभी आपको दिखाएंगे कि वो कैसे पैर पहनते हैं, कम्फर्टेबल हैं, जैसे अमूमन उनका ये कॉन्ट्रैक्चर ठीक होगा, हम ये एडजस्टमेंट इनके प्रोस्थेटिक लेग में कंटिन्यूसली करते रहेंगे। 35 डिग्री कॉन्ट्रैक्चर था, अब कम होकर वो तकरीबन 25 डिग्री रह गया, हम 10-15 डिग्री से और कम मानते हैं कि तकरीबन और स्ट्रेच होगा, है ना। इंडिपेंडेंटली वो चलते हैं, कंफर्टेबल है, अब क्योंकि 3 हफ्ते से वो लगातार चल रहे हैं तो पैर में थोड़ा श्रिंकेज आई है, इसलिए वो भी फॉलो के लिए आए हैं हमारे पास, और हमने एक स्टाम सॉफ्ट दिया है जिसके साथ उनकी फिटमेंट बेटर है। बाकी फीडबैक आपको जोगिंदर जी खुद देंगे पैर पहनने के बाद और चलते रहेंगे। जोगिंदर जी पैर पहने आप, कैसा लग रहा जोगिंदर जी जब आप आए थे? अच्छा लग रहा है। तब आपको लगा था कि आप दोबारा आराम से चल पाओगे? और आप बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगता है? आप ठीक कह रहे हैं। जोगिंदर जी 15 दिन के बाद दोबारा आएंगे हमारे पास फॉलोअप के लिए। आज उनका जो ट्रेनिंग सेशन है वो सिंगल सपोर्ट पे है, क्योंकि वो 5 साल से नहीं चले हैं, तो अभी वो वॉकर यूज करते हैं वॉक करने के लिए। 15 दिन में उन्होंने वेट भी एक प्रॉपर सीख ली है, इंडिपेंडेंटली अपने घर का काम कर रहे हैं, मतलब इंडोर वॉकिंग उनकी शुरू हो गई है। आज हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो सिंगल सपोर्ट में कैसे वॉक करें, जिसका वो घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, और 15 दिन के बाद रूटीन फॉलोअप के लिए हमारे पास दोबारा आएंगे। थैंक यू। ऐसे कैसे आप नहीं कहोगे तो कैसे हिम्मत होगी? एडी, आप एडी पे ध्यान दो, एडी बच्चे पे नहीं, एडी। हाँ, झुकना नहीं है, पैर पे चलना है हमें। हाँ, पैर दिया है हमें चलने के लिए, हाथों पे जो है ये एडी पे, बहुत अच्छे। हाँ, जब उड़ेंगे तो वजन देते हैं, एडी पे वजन, राइट पैर की एडी पे वजन। हाँ जी, आप ही तो चल रहे हो, अभी आप कह रहे थे कि नहीं चलवा जाएगा, शुरुआत में लगता है, ठीक है। अब मेरा बहुत अच्छा, इसको दबा के बहुत अच्छा, जहां तक जाए वहां रुक जाए, जहां पे आपको लगे कि आप नहीं चल पा रहे हो वहां रुक जाओ। हाँ, एडी को दबा, हाँ, मुंडे